हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं वापस लेके आ गई हूँ कि एक स्किन केयर वीडियो, जिसमें मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, तो मैं यहाँ पे रिव्यू कर रही हूँ रोजिप ऑयल का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे हिट कर देना, ताकि मेरी वीडियोज के अपडेट्स आपके पास आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके रिजल्ट्स मुझे काफी अच्छे देखने को मिले हैं, बट ऑयली स्किन वाले से यूज ना करें ड्यूरिंग समर्स एंड मॉनसून सीजन। और अगर आपकी ड्राई और नॉर्मल स्किन है तो आप इसे पूरे साल यूज कर सकते हैं, 12 मंथ्स तो आराम से यूज कर सकते हैं। बट ऑयली स्किन वाले विंटर्स में यूज करें। मैं खुद विंटर्स में इसको यूज करती हूँ, बट मैं ऑयली स्किन वालों को ड्यूरिंग समर एंड मॉनसून सीजन बिल्कुल भी मतलब रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसे यूज करें। इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन वालों के लिए। आपको फेस वॉश करना है जस्ट, उसके बाद आपको अपना टोनर अप्लाई करना है, देन यूज सीरम। डायरेक्टली मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, क्योंकि मॉइस्चराइजर के पार्टिकल्स थोड़े बड़े और मोटे होते हैं इन कंपैरिजन विद सीरम, फेस सीरम, तो इसलिए वो अंदर तक पैनेट्रेट हो जाएगा। अगर आप पहले ही से लगाएंगे तो वो अच्छे से अंदर तक पैनेट्रेट हो जाएगा, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएं एंड यू आर गुड टू गो। इससे काफ़ी फायदे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। ये अच्छे से पैनेट्रेट होता है और धीरे धीरे नेचुरल ग्लो भी अपना आपके फेस पे आना शुरू हो जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इवन अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन वालों के लिए कह रही हूँ। ये अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आप इसे एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ग्लॉसी सा लुक देगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। फिर से काफ़ी लोग पूछते हैं कि दी ग्लॉसी स्किन कैसे लें, ग्लास स्किन मतलब कैसे कैसे अचीव करें। तो मैं कभी कुछ फेशियल ऑयल्स और कुछ फेशियल सीरम्स अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करें। मेरे पास और भी फेशियल ऑयल्स हैं, टी ट्री हैं, ये सब टिंट्री है, लेमन है एंड अभी बहुत ज़्यादा कुछ है, मैंने ऑर्डर किया है, मैं फोटो डाल दूँगी और सबका रिव्यू मैं धीरे धीरे डाल दूँगी। बी पेशेंस, क्योंकि अभी मैं जस्ट ठीक हुई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ, बी हेल्दी। होप आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी को दबा दीजिए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।